नमस्कार कार के प्रेमियों, स्वागत है आपका फिर से कारवाने में और मैं हूं रोहित। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 2023 में बंद हो चुकी कारों के बारे में। और इस लिस्ट में दोस्तों वो भी कारें जो शायद आपकी फेवरेट भी रही है काफी टाइम पहले से और उन कारों को आप जानते भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मारुति सुजुकी अल्टो 800 के बारे में, जो हमारे लिए एक सस्ता हैचबैक थी। ये 800 सीसी के इंजन के साथ आती थी और इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन हमको मिलते थे। 2012 में लॉन्च हुई थी, लेकिन दोस्तों BS6 फेस 2 नॉर्म ने इसकी पूरी की पूरी बैंड ही बजा दी। और पर आपको घबराने की जरूरत है, 1% भी नहीं है। इसका नाम अब भी जिंदा है K10 के रूप में, जिसमें हमको एक बड़ा इंजन मिलता है 1000 सीसी का। अब नंबर सेकंड पर बात करेंगे दोस्तों होंडा जेज के बारे में। होंडा जेज का 2009 में डेब्यू हुआ था। जेज एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन और मैजिक सीट्स के लिए मशहूर थी, लेकिन 2023 में BS6 फेस 2 नॉर्म ने इसकी भी पूरी की पूरी कहानी खत्म कर दी। तो अब अलविदा कहते हैं इस जेज को। और दोस्तों नंबर थर्ड पर बात करते हैं होंडा VRV के बारे में। WRV जो जेज पर पूरी की पूरी बेस थी, इसमें 1200 सीसी पेट्रोल और 1500 सीसी डीजल इंजन दोनों मिलते थे, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। WRV को ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिला था, जिससे जेज के सेल्स नीचे आ गए थे। लेकिन बढ़ते कंपटीशन के बीच WRV काफी समय तक टिक नहीं पाई। 2017 में लॉन्च हुई थी और 2023 में होंडा ने इसको जेज के साथ बंद कर दिया। नंबर लिस्ट पर फोर्थ पर आती है होंडा सिटी 4th जनरेशन। होंडा सिटी का नाम हमारे घरों में काफी समय से रोशन है। 4th जनरेशन सिटी 2014 में आई थी, लेकिन जब न्यू 5th जनरेशन आई तो 4th जनरेशन को भी लोगों ने छोड़ दिया। इसके अंदर हमको दोस्तों ऑटोमेटिक और डीजल ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलते थे, तो इसकी वजह से इसकी बिक्री बिल्कुल कम हो गई। जब 5th जनरेशन सिटी को ईयरली 2023 में फेसलिफ्ट मिला, तो होंडा ने 4th जनरेशन सिटी को बंद कर दिया। तो दोस्तों ये इसकी कहानी थी। अब 5th पर बात करते हैं निशान किक्स के बारे में। निशान ने 2019 में किक्स लॉन्च की थी, लेकिन इसके साथ ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता था। जब BS6 नॉर्म्स आए तो दोस्तों डीजल ऑप्शन बंद हो गया था, लेकिन नया 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आ गया था उस टाइम। तो एमिशंस नॉर्म्स और अपडेट कर दिया था, तो निशान किक ने किक्स को बंद कर दिया। अब निशान सिर्फ मैग्नेट SUV बेच रहा है। नंबर लिस्ट पर 6 पर आती है स्कोडा ऑक्टेविया। स्कोडा ने 20 साल पहले ऑक्टेविया इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी दोस्तों, लेकिन 2023 में जब रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स आए तो स्कोडा ने ऑक्टेविया को बंद कर दिया। कुछ उम्मीद तो है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में नई ऑक्टेविया इंडिया में आने वाली है। नंबर 7 पर बात करने वाले स्कोडा सुपर्ब के बारे में। 2009 में लॉन्च हुई थी स्कोडा सुपर्ब, जो स्कोडा की फ्लैगशिप सेडान थी, वो भी 2023 में बंद हो गई डीजल इंजन को छोड़ने और मार्केट के परफॉर्मेंस बदलने के चलते। दोस्तों स्कोडा ने सुपर्ब को इंडिया में बेचना बंद ही कर दिया बिल्कुल। नंबर 8 पर बात करने वाले किया कार्निवाल। 2020 में कार्निवाल को लॉन्च किया गया था, लेकिन 2023 के नए एमिशन नॉर्म्स ने इसकी पूरी दास्ता को खत्म कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि कार्निवाल को नए रूप में नेक्स्ट ईयर लाने की प्लानिंग चल रही है। और फाइनली दोस्तों नंबर 9 पर हम बात करने वाले महिंद्रा EUV100 NXT के बारे में। 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 6-सीटर हैचबैक ये हमको मिलती थी, लेकिन 2023 में महिंद्रा ने इसकी बुकिंग लेना बंद कर दी, जिससे EUV100 का सफर इंडिया में खत्म हो गया। इसका सॉलिड कारण महिंद्रा नामों को अभी तक नहीं बताया। आपको पता है तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ये रही वो कार जो 2023 में हमारे बीच से गई। तो कौन सी कार ने आपको सरप्राइज किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ड्राइव। जय हिंद, जय भारत।